कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और एक डायग्राम ध्यान से देखिए। तो चलिए अब फटाफट हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टेक्रोनिक्स टेक्निकल सॉल्यूशन। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लॉक लिया है, एक होटर लिया है और एक डिवाइस लिया है। सबसे पहले हम लॉक कनेक्ट करेंगे। लॉक कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डिवाइस के बैक साइड में जाना है और यहाँ पे एनसी की वायर चेक करनी है। यहाँ पे आप देखोगे एनसी लिखा है, आप ऊपर से वायर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 नंबर पे। यहाँ पे आप वायर काउंट कर लेना 1 2 3 4 5। येलो वाली एनसी है तो इसमें एक वायर कनेक्ट करके मैं थोड़ा इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। वायर छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने एक वायर कनेक्ट करके इसे एक्सटेंड कर लिया है और इसे हमें कनेक्ट करनी है लॉक के पॉजिटिव से। आप यहाँ पे देखोगे लॉक पे सारे मेंशन है 12 वोल्ट ग्राउंड एनसी कॉम एनओ। लॉक के पॉजिटिव पे डिवाइस का एनसी दे दिया, ठीक है। अब एक एडाप्टर लूँगा मैं 12 वोल्ट 2 एम्पियर का और इसमें जो ग्राउंड की वायर है जीएनडी, ये ग्राउंड की वायर है तो इसे मैं लॉक के ग्राउंड पे कनेक्ट कर दूँगा। अब जो इसका पॉजिटिव वायर है उसे मैं कॉम पे डाल दूंगा। तो कॉम की वायर है 3 नंबर पे 1 2 3, 1 2 3 ग्रे वाली वायर हो गई कॉम की। तो इसका जो पावर सप्लाई का पॉजिटिव वायर है यहाँ पे डाल दिया मैंने कॉम पे डिवाइस के। ये हो गया हमारा लॉक का कनेक्शन। अब हम करेंगे हूटर का कनेक्शन। अब हूटर में दो वायर होते हैं तो सबसे पहले हम लॉक पे ग्राउंड 12 वोल्ट और कॉमन को लूप कर लेंगे। इसके लिए एक छोटा सा वायर लेना है और एक तरफ कनेक्ट करना है कॉम पे। और एक तरफ हमें कनेक्ट करना है 12 वोल्ट पे। ये हमने लूप कर दिया। अब क्या होगा, 12 वोल्ट कॉम पे आएगा और फिर एनसी से आउटपुट जाएगा। तो एनसी पे हम कनेक्ट करेंगे हूटर का पॉजिटिव। और जो हूटर या सायरन जो भी यूज़ करोगे उसका निगेटिव वायर आपको डालना है लॉक के ग्राउंड पे। तो फिर से लॉक का ग्राउंड हम लूज करते हैं। और यहाँ पे डाल दिया हूटर का ग्राउंड। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब चलिए इसे ऑन करते हैं। डिवाइस को एक सेपरेट एडाप्टर से कनेक्ट कर देता हूँ मैं।
और इस एडाप्टर को भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये अभी आवाज आ रहा है क्योंकि ये लॉक प्रॉपरली फिट नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए ये रेड आ रहा है, रेड में ये फीडबैक भेज रहा है, यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, लॉक को प्रॉपर फिट करेंगे। अब देखिए जैसे ग्रीन आया ये हूटर बंद हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही आप अनलॉक करोगे गेट को और जो भी आपकी टाइमिंग होगी 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, उसके बाद भी लॉक अगर ओपन रहता है तो ये साइरन बजेगा या हूटर बजेगा जो भी आपने कनेक्ट किया है। तो ये मैंने किया अनलॉक और ये मैंने हटा दिया इसको। ये देखिए बजने लगा। ये ऑफ हो गया। दोबारा चेक कराता हूँ, अगर आप नॉर्मली बट अनलॉक कर रहे हो और टाइम से ये लॉक हो जा रहा है तो हूटर नहीं बजेगा। ये प्रॉपरली लॉक नहीं हुआ इसलिए बज रहा है। ठीक है, ये ऑफ हो गया और आपने अनलॉक किया और टाइम से ये लॉक नहीं हुआ तो ये हूटर बजने लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे साइरन का कनेक्शन होता है और ये प्रोसेस होता है। आशा करता हूँ आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में चैट कर दीजिए।